सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी वेबसाइट www के बिना ओपन नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पे ब्राउजर में एक वेबसाइट टाइप की है जो कि है www.onlinesahayata.com। ओके, तो अब इस वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन इस डोमेन के आगे ये जो www है इसे हम नहीं लगाते हैं तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इस डोमेन के आगे से www को हटा दिया है। ओके, तो चलिए अब हम इस वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट www के बिना ओपन होती है या फिर नहीं। ओके, तो देखिए, यदि मैं इस वेबसाइट को अब ओपन करने की कोशिश करता हूं तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होती है। ओके, तो यदि आपकी वेबसाइट भी ऐसे ही बिना www के ओपन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ब्लॉगर के अंदर बताने वाला हूं कि आपको ब्लॉगर के अंदर इसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। तो आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपने ब्लॉगर की सेटिंग को ओपन कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपको ब्लॉग एड्रेस में आ जाना है। ओके, जो कि आपको बेसिक सेटिंग के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको आपका डोमेन मिल जाएगा। डोमेन के आगे आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रिडायरेक्ट onlinesahayata.com टू www.onlinesahayata.com। ओके, यहाँ पे मेरे जो डोमेन है इस डोमेन के जगह पे आपको अपने डोमेन मिलेंगे। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। तो ऑन करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे टिक करना होगा। ओके, यदि आपके ब्लॉगर में ये ऑप्शन पहले से ही ऑन है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। यदि यहाँ पे ये ऑन नहीं है, यानी कि ये जो टिक है ये इस ऑप्शन के आगे नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। ओके, ये टिक यहाँ पे आ जाने के बाद आपको इस सेटिंग को यहाँ से सेव कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को दोबारा से बिना www लगा के ओपन करके देख लेना है। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट को बिना www लगा के ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा वही पेज है जहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो बिना www के ओपन नहीं हुई थी थोड़ी देर पहले। तो चलिए मैं इसी को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अभी भी रिडायरेक्ट नहीं हुई है। तो चलिए हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, इस बार मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये बिना www के ओपन हो गई है। ओके, अब चलिए हम इसे एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने दोबारा से इस डोमेन को लगा दिया है और इस डोमेन के आगे यहाँ पे कोई भी www मैंने नहीं लगाया है। ओके, तो चलिए अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिना www के यहाँ पे आसानी से ओपन हो गई है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक www आ जाता है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को जो कि बिना www के है उससे रिडायरेक्ट कर दिया है जो कि www वाली वेबसाइट है उसके ऊपर। ओके, तो यदि आप कोई भी हमारी वेबसाइट को बिना www लगा के ओपन करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यदि आपको इसके बारे में और भी अच्छे से समझना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस वेबसाइट पर जाके आप इसके बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक पर नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।